अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बात कुछ अंध भक्तों को हजम ना हो, पर सच्चाई यही है कि आलमी सतह पर भारत की छवि वजीर आजम मोदी की क्या है, क्योंकि बेवजह मोदी की तस्वीर को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि मानो भारत अब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हो रही है क्योंकि कनाडा और भारत तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर एक दहशतगर्द के लिए कनाडा भारत ही को धमका रहा है, और न सिर्फ धमकी दे रहा है बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दिगर मुल्कों को भी भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने खुले आम कनाडा के संसद में खलिस्तानी अलगाववादी यानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल को भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल कत्ल 3 महीने पहले 2 जून को हुआ था। कनाडा के गुरुद्वारे के सामने हरदीप सिंह निज्जर को गोलियों से भून दिया गया था और कत्ल कर दिया गया था। 3 महीने तक जांच हुई। एक और अहम बात यह भी है कि भारत में अभी G20 समिट रखा गया था। भले मोदी हुकूमत ने समिट को आने वाले चुनाव के मद्देनजर इसे इनकैश करने की कोशिश की होगी, और ऐसा कहा भी जा रहा है 20 मुल्कों के बड़े लीडर भारत में आए और इसकी सदारत वजीर आजम मोदी कर रहे थे, तो जाहिर है इसका क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए और मिलना लाजिम भी हो जाता है। पर इस समिट भारत के हक में कुछ फायदेमंद साबित नहीं हुआ। पुतिन ने आने से इनकार कर दिया, तो चीन के जिनपिंग भी इसमें शरीक नहीं हुए। अमरीका के जो बाइडन तो शरीक हुए, पर दूसरे ही दिन वियतनाम चले गए और वहां जाकर पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि भारत में मोदी हुकूमत के मातहत इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, अकलियतों पर ज्यादती की जा रही है। भारत में बढ़ता मजहबी तशद्दुद का दायरा यानी सांप्रदायिकता दायरा अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लिए फिक्र का सबब है। इसी में एक और बात काबिल गौर रही कि वजीर आजम मोदी ने साउथ कोरिया से $4 अरब का कर्ज मांगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर मोदी ने साउथ कोरिया से $4 अरब का कर्ज मांगकर भारत की तस्वीर को दागदार और जलील कर दिया। खैर, बात कनाडा और भारत की बढ़ती दूरियां तक नहीं है, बल्कि कनाडा दिगर मुल्कों के पास जाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा का इल्जाम है कि हरदीप सिंह निज्जर कत्ल भारत की एजेंसियों की जानिब से किया गया, लिहाजा कनाडा ने भारत की खुफिया एजेंसी के पवन कुमार राय को कनाडा छोड़कर जाने का फौरी हुक्म दिया गया। कनाडा हुकूमत की जानिब से ये हुक्म दिया गया तो भारत ने भी कनाडा के खुफिया एजेंट को भारत से निकल जाने को कहा। कनाडा के वजीर आला जस्टिन ट्रूडो ने भारत से तमाम तिजारती रिश्तों को खत्म करने का भी फैसला G20 समिट से वापसी के बाद लिया गया। यानी कि इतना बड़ा फैसला लिया गया तो इसके पीछे क्या हो सकती है, इसे भी समझने की जरूरत है। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में किसी तरह का हाथ होने से इनकार कर दिया। बात तो और आगे बढ़ चुकी है। अब यहाँ के हिंदुओं को निकल जाने की धमकी सिख शिद्दत पसंद कायद गुरुवंत सिंह पन्नू एक वीडियो के जरिए दे रहा है। इस वीडियो की तस्दीक लल्लन टॉप ने भी की है। वाजा रहे कि भारत के शहरी बड़े पैमाने पर कनाडा में रहते हैं। सिख समुदाय के साथ हिंदू भी यहाँ पर कसीर तादाद में रहते हैं। सिख समुदाय पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कनाडा में रहता है। भारत के खिलाफ और अफगानिस्तान की हिमायत में अक्सर बड़ी बड़ी रैलियां यहां देखने को मिलती है। अफगानिस्तान का मरकज भी इसी कनाडा में होने की बात कही जाती है। पिछले कुछ अरसे से यहां सिख लीडरों के कत्ल की वारदातें पेश आ रही है, जिसके लिए भारत सरकार को यहाँ का सिख समुदाय जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही है कि अब यूरोप ममालिक में भारत के खिलाफ कनाडा एक नैरेटिव चला रहा है। गोदी मीडिया भारत में तो मोदी को विश्वगुरु या मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना सकती है, लेकिन विदेशों में इस तरह होती साजिशों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। चीन, रशिया, अमरीका, फिर वैसे भी भारत के तमाम पड़ोसियों से पहले से ही हमारे ताल्लुकात खराब हैं। अब तो कनाडा के हिंदुओं को भगाने का ऐलान सिख दहशतगर्द गुरुवंत सिंह पन्नू कर रहा है। सोशल मीडिया पर कनाडा में गो बैक हिंदूज ट्रेंड भी कर रहा है। अब इसका मोदी हुकूमत कैसे मुकाबला करेगी, यह बड़ा मसला नजर आ रहा है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ तो नैरेटिव आसानी से चलाया जा सकता है। खासकर विदेश में रहने वाले और खासकर कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को अजीब कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कनाडा दिगर यूरोप ममालिक को अपने साथ खड़ा करने में कामयाब हो जाता है तो भारत की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि यहां हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। क्योंकि मोदी हुकूमत हमेशा मजहबी तशद्दुद और खासकर मुसलमानों को निशाना बनाने की पॉलिसी बनाती रहती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है, पर यहाँ कैसे निकल पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। आज की एक और अहम खबर, रोजाना कुछ तो कुछ अजीब खबरें देखने सुनने को मिलती रहती है, और किस कदर संगदिल लोग रहते हैं। अपने ही मासूम बच्चों को मियां बीवी के झगड़े में सड़क पर पटक कर जान से मार दिया,
इस जल्लाद बाप का नाम बसप्पा बल्लू की है तो मैं 4 महीने के बच्चे का नाम संचित है, सिर्फ गांव को कल जाएंगा, ऐसा बीवी ने कहा तो बसप्पा को गुस्सा आया और उसने इस हरकत को अंजाम दिया। हासिल इत्तला के मुताबिक बसप्पा अथनी तालुका दुरदुंडी गांव का रहने वाला है। 19 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, बीवी चिंचली की है, तो अपनी बीवी को लाने के लिए चिंचली बसप्पा गया हुआ था। बीवी ने आज ईद है यानी कि गणेश का त्योहार है, कल जाएंगे कहा तो बसप्पा को इतना गुस्सा आया कि घर के सामने की सड़क पर गुस्से से 4 महीने के बच्चे की पटकने के साथ ही उसी जगह पर मौत हो। बसप्पा सामरा में KSF रिजर्व पुलिस में अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। मामला कुर्च थाने में दर्ज हुआ है तो गोकाक सब जेल में बसप्पा को रवाना किया गया है। यकीनन इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया ये कह सकते हैं। आखिर उस मासूम का क्या जुर्म था? अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन कभी कभी मियां बीवी के झगड़ों में ऐसी कलियां वक्त से पहले ही मसल दी जाती है। पिछले कुछ अरसे से मियां बीवी के झगड़ों की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और इसका अक्सर खामियाजा उन बच्चों को ही भुगतना पड़ता है जिनका इसमें कोई कसूर नहीं होता। एक जिंदगी मिलती है, अगर जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर जिंदगी जी भी जा सकती है। कहते हैं कि अब 4 महीने के उस संचित का क्या कसूर कोई बताए तो सही, लिहाजा एक जिंदगी मिली है, इसे किस तरह गुजारना है ये तुम्हारे ही हाथ में है। इतना जरूर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।